प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के मर्डर के बाद बाहुबली नेता अतीक अहमद को फर्जी एनकाउंटर का डर सता रहा है। अब अतीक अहमद की सुरक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अतीक अहमद की ओर से वकील हनीफ खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर में अहमदाबाद जेल से यूपी की जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया है। अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें अहमदाबाद जेल से यूपी की जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया गया है। इसमें कहा गया है कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि उनका फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। वकील ने अतीक की सुरक्षा पर सवाल उठाए। प्रयागराज में बुधवार को अतीक अहमद के बेहद करीबी माने जाने वाले जफर खालिद अहमद की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर से तोड़ा गया है। अब अतीक अहमद को खुद के फर्जी एनकाउंटर का डर सताने लगा है, इसलिए वो अहमदाबाद जेल से यूपी जेल नहीं आना चाहता है। इसे लेकर उनकी ओर से वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि अतीक अहमद का फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। अगर उन्हें उत्तर प्रदेश भी लाया जाए तो सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा में लाया जाए।